ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़ी भवानीपुर और उन्होंने अपनी जगह जिन्हें वहां से मैदान में उतारा उनके बहुत ही करीबी हैं शोभनदेव चटर्जी। शोभनदा एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में विरोधी भी बोलते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं। दादा जो आपके विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दीदी बोलती हैं अच्छा इंसान है, आखिर कैसे कमाल कर दिया आपने पॉलिटिक्स में? ये हमारे बहुत दिन से पार्टी कर रहा है ना, तो इसमें जब हम पॉलिटिक्स में उतरा था तब मेरे पिताजी ने बोला, पिताजी पॉलिटिक्स किया था, कई बार जेल भी गया, तो बोला पॉलिटिक्स को सेवा की मनोभाव में मनोभाव से करना चाहिए, कुछ मिलने का मनोभाव से नहीं करना चाहिए। तो मैंने वही निर्देश वही आदेश पिताजी का मैं मान के चल रहा हूँ। सिंस 1962 आई एम ए वेरी सीनियर पॉलिटिशियन इन माई पार्टी ऑल्सो। तो और सुबह से जो भी आता है मैं पहले देख लेता है क्या काम है, आज तक नहीं देखा कौन पार्टी का आदमी है, क्या मुस्लिम है, क्या हिंदू है, क्या गरीब है, इस सब नहीं देखता हूँ। मेरा विद इन माई कैपेसिटी जो होता है ना वो हम तुरंत कर देता है, किसी को घुमाते नहीं। तो इसीलिए इतना दिन सबसे अच्छा बिहेवियर भी करता है सबसे, गाड़ी से जा रहा है कोई आदमी लड़का खड़ा हुआ है हमारा पार्टी का, तुरंत गाड़ी रोक के उससे बात करता है। अपने तो है ही, लेकिन जो आपके पराए हैं जो आपके विरोधी हैं वो भी हम जब वहाँ पर गए तो चाहे रुद्रनील घोष हो या कल वहाँ पर जो बीजेपी के सभी लोग भवानीपुर में कर रहे थे सभा, तो ये बोल रहे थे कि देखिए कि शोभनदा यहाँ से खड़े हुए हैं, शोभनदा बहुत अच्छे इंसान, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने पार्टी के बारे में, आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली, आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो पावर मिनिस्टर हैं राज्य के, उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये बोला कि उस इलाके में जो पावर के नाम पे लोगों से उगाही की जाती है, पैसा लिया जाता है, तोलाबाजी की जाती है। नहीं, पावर के नाम से किसी कुछ नहीं कर सकता है। हमारा तो कंपनी, हमारा अंडर में जो कंपनी था, 3-4 कंपनी हमारा अंडर में था, उसमें कोई तोलाबाजी करने का कोई सुजोग ही नहीं है। बिल आता है ज़्यादा की कमती, उसके ऊपर बात हो सकता है कि CSC वो कोविड के टाइम में जो बिल नहीं लिया था वो तो लिमिटेड कंपनी है ना, तो लेगा ही, पीछे उसको 10 इंस्टॉल में ले रहा है, 10 इंस्टॉल में ले रहा है, तो इसलिए बिल ज़्यादा आ रहा है। इसके लिए किसी को खोब हो सकता है, किसी को कोई कंप्लेन भी कर सकता है ये क्यों ले रहा है, वो तो दूसरा बात है, आर्गूमेंट्स भी है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई हो सकता नहीं, CSC में कोई हो सकता नहीं। बताइए कि ऐसा सचमुच है कि आप पावर मिनिस्टर हैं, कि आप बंगाल में जो टैरिफ है बिजली का वो सबसे ज़्यादा है क्या, या कोलकाता में सबसे ज़्यादा है क्या टैरिफ? नहीं, ऑल जितना मेट्रो सिटीज है सबसे कमती है हमारा, सबसे 7.12। अब देख लीजिए बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, सभी जगह में, लेकिन उसको छोड़ के जो सारी स्टेट का अंदर में, उसमें क्या होता है, जिस स्टेट में गवर्नमेंट सब्सिडी दे देता है, मान लीजिए कि 10,000 करोड़ दे दिया, हमारा चीफ मिनिस्टर हमको 1,000 करोड़ देता है, 1,000 करोड़, लेकिन जो 10,000 करोड़ देता है उसको सुविधा होता है कमती करने के लिए। तो इस बार मैं बोल सकता था कि इस हमारे फाइनल ईयर में, फिफ्थ ईयर में, इस इज द फर्स्ट टाइम जो हमारे हर कंपनी, जितना तीनों कंपनी है, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों लाभ किया। तो इस बार हमारा हाथ में जो पावर आया था जहाँ तरीफ कमती करने का, ये हम लोग आएगा उसको बाद ही कर लेगा उसको कमती कर ले। लेकिन 75 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट तक हमारा सब्सिडी है ही है, हर स्लैब में हमारा सब्सिडी है, वो सब्सिडी हम लोग दे रहा है। लेकिन वो जो बात बोलता है जो हमारा सबसे ज़्यादा है ना मेट्रो सिटीज़ के अंदर, सबसे कमती है कलकत्ता का। तो फ्री पावर देने की भी बात आ रही है। फ्री पावर तो हमने दे रहा है 75 यूनिट तक। देखिए ये तो हम टैरिफ क्या होगा वो हम नहीं बनाता है, रेगुलेटरी कमीशन जो है वो बना देता है, किसके ऊपर होता है, हमारा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट क्या है, हमारा चीज़ जो खरीद रहा है हम लोग कोल, उसके दाम कितना होता है, सब मिल के हम लोग उसको दे देता है, वो हमारा टैरिफ बना देता है। फिर भी ममता बनर्जी 1,000 करोड़ रुपया दे के थोड़ा कमती रखने का कोशिश किया, हो सकता इन द कमिंग ईयर्स हमारा ममता बनर्जी थोड़ा हेल्प करे
हेल्प तो करता ही है हर टाइम, और ज़्यादा हेल्प करे। साथ ही साथ हमारा जो तीनों यूटिलिटीज़ है वो इस बार ज़्यादा प्रॉफिट भी किया है, तो इसका रिएक्शन अगले दिन में हो जाएगा। दादा ये तो हो गई काम की बात, लेकिन अब जरा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि चुनावों का माहौल है। आपका जो सीट था जहाँ से आप लगातार जीतते हुए, आपको सीट से नहीं मिला इस बार भवानीपुर से, क्या लग रहा है आपके लिए एडवांटेज है डिसएडवांटेज? देखिए मैंने 7 बार जीता है, 7 बार कॉन्टेस्ट किया, 7 बार जीता है, ये 8वां बार है। लेकिन जहाँ से हम 5 बार जीता उसका ग्राउंड तो मैंने प्रिपेयर किया, और इसका ग्राउंड प्रिपेयर किया चीफ मिनिस्टर खुद ही प्रिपेयर किया। तो मैं एक फार्मर हूँ, जहाँ पे ज़मीन अच्छा होगा वहाँ से कैसे फसल उठाना पड़ता है वो हमको जानकारी है। तो अच्छा मतलब फार्मर मतलब आपको बता दें ये है, आप हो गए मतलब राजनीति के फार्मर हैं, आप उस ग्राउंड को तैयार कर लेते हैं। ग्राउंड तो तैयार था, लेकिन हमारा एक एडवांटेज है कि मैं तो बाहर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, इस बार मैं अपना वोट अभी देगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम। हम इधर में 200 साल से इधर में है, कलकत्ता में इधर भी है 200 साल से, और मेरा जन्म इधर हुआ, मेरा स्कूलिंग इधर हुआ भवानीपुर में, मेरा कॉलेज भी भवानीपुर में है। सबसे ज़्यादा क्या हमारा थोड़ा अलग अलग परिचित है, पहले मैं हाँ सब कोई बोलता था मैं बॉक्सर हूँ, मैं इंडिया का कैप्टन हुआ था इन द ईयर 1964, और 3 बार मेरे इंटर कॉलेज चैंपियन हुआ, 2 बार इंटर स्कूल चैंपियन हुआ, मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया अंडर तेंजिंग नोरगे HMI से, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट से, रग्बी खेला था मोहनमगन क्लब ने 2 साल, यस ऑल द टफ गेम्स। कुछ जो बातें आपको पता लग रही है शोभुंदा के बारे में, हमें भी नहीं पता था कि वो बॉक्सर हैं, माउंटेनियर हैं और साथ ही रग्बी खेल चुके हैं, आप सोचिए। तो इसीलिए पहले हम लोग को बोलता था लोगे बॉक्सर शोभुंदे। तो मेरा पिताजी प्रीस्ट था, संस्कृत पंडित, मैं भी प्रीस्ट है अभी तक है, अभी भी पूजा करता मैंने। तो उसके बाद हमारा और एक दूसरा पब्लिक के सामने मैं एक इमेज हो गया कि मैं पुरोहित हूँ, पूजा करता है और आदमी लोग अच्छा से दिखता है। तीसरी है कि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के बारे में जो होना चाहिए सबको साथ अच्छा बिहेवियर करना, सबको जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छा ध्यान से सुनना और उसको काम कर देना। ये मैं जितना दिन पॉलिटिक्स की आ रही, ये तो इधर भी हमारा जोमिन है। 1971 में मैं साउथ कलकत्ता का प्रेसिडेंट था इस इलाके का, 1972 में हम स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हुआ, ये जमीन से कहिया, इतना काम इधर में किया हमने इतने दिन से। जमीन तैयार आपको? जमीन हमारा तैयार था, और ममता जी हमको इधर में दिया तो और अच्छा हुआ कि ममता जी जो काम किया उसके ऊपर हमारा जो परिचय था उसके लिए हमारा एडवांटेज तो है ही है। एडवांटेज मानते हैं, लेकिन साथ ही अच्छी बात है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है इनका, इसलिए समझ में आया कि क्यों है कि आप भले ही इसलिए आपके विरोधी विरोधी हो, लेकिन उसको वो विरोधी के तौर पर देखते हैं, दुश्मन की तरह पे नहीं देखते, तभी तो आपके विरोधी भी आपकी तारीफ ही करते हैं। आपको एक बात बोलने से और अच्छा लगेगा, देखिए CPM का लीडर लोग है, CPI का लीडर लोग है, हम उसको नाम नहीं लेने चाहता है, वो भी हमको फोन करके काम के लिए बात करता है, इसको इस काम को करना होगा, इसको इस काम को करना होगा, हम देखा ही हमने कर सकता हूँ तो कर देता है। बताइए आपकी जो ये सोच है, ये कई बार आपके दूसरे पार्टी के लिए, हम लोग इतने जगह पे देख रहे हैं, पहली बार हम किसी नेता को हमने देखा कि BJP के जो नेता है उनकी तारीफ कर रहे थे आपके बारे में, आपके खिलाफ नहीं बोल रहे थे, लेकिन दूसरी जगह जब जाते हैं तो देखते हैं कि जिस तरह से आपके पार्टी के लोग हों, सब लोग एक दूसरे पर बहुत ज़बरदस्त तीखा टिप्पणी करते हैं, आपके जैसा क्यों नहीं है? नहीं हम देखिए जो कल्चर हमको हुआ है हमारा, आपके बाकी नेता क्यों नहीं आते? हमारे बाकी नेता सब तो ऐसा नहीं बोलता है, कोई कोई थोड़ा रफ माने टफ, इसलिए होता कि देखिए मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, हमने इतना दिन पॉलिटिक्स में नहीं देखा कभी, एक प्राइम मिनिस्टर दोबारा आया कोई इलेक्शन मीटिंग में, इधर में हर रोज आ रहा है, ये चेंज हुआ। दूसरा इधर में आके वो दीदी भाई को देखिए, प्राइम मिनिस्टर हमारा देश का आइन का कस्टोडियन है, तो एक आदमी के ऊपर आरोप लगाने का पहले उसको जानकारी होना चाहिए कि इसको प्रूव होना चाहिए, वो आइन का मुताबिक प्रूव होना चाहिए, नहीं तो भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता है, एक रास्ता की लड़का बोल सकता है
लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो कस्टोडियन ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, वो कभी नहीं बोल सकता है कि इसके ऊपर आरोप नहीं लगा ले सकता है, वो आरोप लगा रहा है किसी के ऊपर। इसी के लिए इतना टफ वर्ड्स हमारा वर्कर से निकल जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कल आपके ही जो कोलीग हैं फिराद हकीम, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली कि जिसको लेके मतलब ट्वीट किया गया बीजेपी की ओर से, आपने सुना ही होगा। आपको लगता है कि एक तो उन्होंने बोला कि वो शायद सच नहीं, आप लोग उसको ठीक मानते हैं, क्या मानते हैं उसको, क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो सबको बोलेगा, देखिए जब मीटिंग प्रचार करता था, मैं इधर का जो सबसे पॉपुलर चैनल है उसमें बोला था, जब मैं आपको अपील करता हूँ, जो भी हो जिस पार्टी की भी हो उसको आने दीजिए, उसको बोलने दीजिए, उसको घर घर जाने दीजिए, किसी को विरोध मत करना, किसी को साथ लड़ाई मत करना, ये मैंने टीवी में बोल दिया है। तो ये मेरा सोच है कि डेमोक्रेसी में हर कैंडिडेट को हर जगह में जाने का अधिकार है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा, ये मेरा सोच है। आप तो मतलब इतनी अच्छी आपने बात बोली कि काश ये बात अगर हर कोई समझता और दादा की तरह हर कोई मानता, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि हर कोई बोलते हैं ना कि आना पसंद ही करता आप जैसे अगर लोग होते, लेकिन हम लोग जैसे घूम रहे हैं तो कई बार क्योंकि मैं यहाँ से हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर किस तरह की होती थी जब CPM भी थी, लेकिन अभी भी कई जगह पर देख रहे हैं कि लोगों पर पत्थर मारे जाते हैं, जिस तरह से आपने देखा हो JP नड्डा पर भी पत्थर मारा गया, दिलीप घोष पर भी अटैक हुआ, उसके बाद शीतुल कुची वाला घटना भी हो गया, उसके बाद दीदी ने भी बोल दिया कि भाई जो CISF को लेके बहुत सारी बातें बोली। आप इतने वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं, आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि कई बार नहीं होना चाहिए? हम देखिए, जय हमारे स्टेट में ये मारपीट का जो कल्चर वो लाया था CPIM, उसका पहले मैं तो कांग्रेस से करता था ना, बहुत दिन से कांग्रेस किया है, इंदिरा कांग्रेस किया है, सभी किया है, तो उस टाइम इतना लड़ाई नहीं होता था, इतना लड़ाई नहीं होता था। जब से CPIM सत्ता में आया उसकी बाद से सारी स्टेट में लड़ाई गुंडामी हो रहा है, हत्या की हत्या हो रहा था, बहुत मर्डर हुआ है, ये वो लोग पैदा किया इस स्टेट में, और वही कल्चर अभी भी चल रहा है। वो लोग कभी BJP में गया, कुछ आदमी हमारा पार्टी में आया, दूसरा पार्टी में गया, ये कल्चर जो पैदा हो गया ना, वही लोग है, वही कल्चर अभी तक चल रहा है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं था और हमारा तृणमूल के भी कल्चर नहीं था। आज BJP में जो लोग गया था, आपको मालूम है लास्ट इलेक्शन में टोटल CPIM का वोट BJP में गया, कैसे गया, वो सपोर्ट किया इसे ना, तो वो लोग भी BJP में ज्वाइन कर गया, तो लड़ाई तो उसीलिए हो रहा है ना। इतना लड़ाई हमने नहीं देखा, मैं बहुत दिन पॉलिटिक्स किया, कांग्रेस किया, तृणमूल किया, लेकिन इतना दिन लड़ाई नहीं किए देखा है। CPIM का राज जब से हुआ था तब से हमारी स्टेट में लड़ाई शुरू हो गया। आप मानते हैं, लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि आपके पार्टी में भी कुछ उनके लोग गए, इसमें भी गए BJP में? देखिए, ये तो मैं नहीं बोल सकता कि अंबाजी पार्टी में 100% सब ऑनेस्ट है, 100% पीसफुल है, ये नहीं हो सकता है। ये समाज की रिफ्लेक्शन होता है, इस हर समाज की रिफ्लेक्शन होता है, हर पार्टी में है, लेकिन हमारा गुस्सा होने का, हमारा पार्टी का यंग मैन जो है उन लोग को गुस्सा होने का एक ही बात है कि देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर, इसी तरह इतना ऊंचाई का आदमी आके जो बात बोल रहा है दीदी भाई को, अरे भाई तुम्हारा साथ सबूत होना चाहिए, तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए, इतना नीचा बात। आज तक मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टर देखा, बहुत प्राइम मिनिस्टर घर में भी गया, घर में राजीव जी के घर में गया, इंदिरा जी के घर में गया, अटल बिहारी वाजपेयी से मिला ममता जी के साथ एक साथ जाके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है देश का एक 130 करोड़ पीपल का वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या बोलने सकता है क्या नहीं बोलने सकता, ये भी उसको जानकारी होना चाहिए। इसके लिए जो इरिटेशन हो रहा है हमारे यंग जो वर्कर्स है, लीडर्स है, उसका भीतर में जो रिएक्शन होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है, और जो बात करता है ना उसी तरह। आपने तो ये, चलिए अच्छी बात है, आपने ऑनेस्टली हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं। एक चीज़ जैसा आपने बोला कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री की ओर से जो बातें कही जा रही है वो आपके जो कार्यकर्ताओं को चुभ रहा है, उसको सबूत होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को उसका। लेकिन एक और आइन से जब तक ना वो कन्विक्टेड होता है कोई आदमी, तब तक प्राइम मिनिस्टर कैनॉट से एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी।
लेकिन ज्यादा बताइए कि जिस तरह से आप तो जिस तरह अच्छी तरह समझा रहे हैं, बोल रहे हैं चीजों को, जब सीएम कई बार जितने भी रैलियों में बात बोलती हैं कि पार्लियामेंट्री फोर्सेस कब तक, जब तक इलेक्शन है, जो अब चले जाएंगे तब हम आम देख लेंगे आप लोगों को जो उनके साथ नहीं हो, जो लगातार बोल रहे हैं एक बार जाने दो पार्लियामेंट्री, उसके बाद तो हम ही हैं, हम देखेंगे। जो इस तरह की धमकियां आती है, जब ये धमकी के तौर पर लेते हैं लोग डरे हुए हैं, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके जो मैडम जब कुछ बोलती है तब पैरामिलिट्री फोर्स को जो ड्यूटी था उसको तो गोली चलाना ड्यूटी नहीं था, उसको पैर गोली का पहले लाठीचार्ज होगा, टियर गैस सेलिंग होगा, उसको बाद में गोली चलाएगा, फिर भी वो पैर के नीचे गोली करेगा, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से चेस्ट में गोली किया, पीछे गोली किया, ये सब किस किस कैसे हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बात बोला था जो मैं परमिशन देता है, क्यों क्यों ये बात बोलेगा, उसको बोलना था तो पेपर में मत बोलना, बोलना था तो अलग से बोलना था, उसको पेपर में बोल दिया, हम पैरामिलिट्री को बोल दिया गोली चलाने के लिए। देखिए इलेक्शन कमीशन जिस तरह काम कर रहा है, जिस तरह काम, ये एक महीना क्यों हुआ मालूम है, इलेक्शन के लिए हुआ है। नहीं बोला कि आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि लास्ट के तीन फेज एक साथ करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है, जो दूसरी तरफ से बोला जा रहा है कि ये संविधान के हिसाब से पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको टाइम नहीं मिलेगा प्रचार का, इसलिए नहीं। देखिए एक महीना भर टाइम सबको मिला है, हमारा काम तो बहुत कंप्लीट हो गया, बहुत दिन पहले सबको कंप्लीट हो गया, इतना ऐसा बात नहीं कि प्रचार का टाइम नहीं मिलेगा, प्रचार का टाइम किसको नहीं मिलेगा, जो हमारी स्टेट में डेली पैसेंजर हो गया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो डेली पैसेंजर हो गया ना, 10 लाख रुपया खर्च होता है एक बार के लिए, और सबके मूल के 500 करोड़ रुपया खर्च हो गया दिल्ली से आने के लिए, एक गरीब देश के लिए शोभा नहीं देता है। फिर भी ये 7-8 जो फेजेस होता है इसमें खाली दिल्ली का लीडर लोग के लिए एक किया गया है, हमारे कोई सुविधा के लिए नहीं, स्टेट के कोई सुविधा के लिए। आज जो कोरोना बढ़ रहा है ना, हर मीटिंग में आदमी लोग आता है, कोई आदमी मास्क पहन के आता है, कोई आदमी नहीं पहन के आता है, किसी के पास सैनिटाइजर है तो किसी के पास नहीं है, तो इसी तरह कोविड भी बढ़ रहा है, इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग चलते रहा है, और भी मीटिंग है, मैंने सुना शहीद मीनार में भी मीटिंग होगा, आदमी लोग जाएगा, मतलब 500 आदमी होगा, सकता है कोई 500 लोग को रिस्ट्रिक्शन करने का, जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो आदमी तो जाएगा उसको पार्टी का, कौन बोलेगा 500 आदमी है, कौन इसको चेयर जो बैठने का देगा, अलग अलग से देगा, ये तो नहीं हो सकता है, खाली मुंह में बोलता है प्राइम मिनिस्टर आएगा तो 500 आदमी होगा। प्राइम मिनिस्टर जितना दिन आया इतना बार आया, होम मिनिस्टर आया, नड्डा जी आया, हर तो पूरा दिल्ली तो इधर में बैठे हुए है, तो इसीलिए कोरोना भी बढ़ते जा रहा है, अगले जो कोरोना हुआ था हमारे स्टेट में ज़्यादा नहीं हुआ, वी कुड कंट्रोल एवरीथिंग, ट्रीटमेंट भी हुआ था, अभी जिस तरह बढ़ रहा है ये तो हमको हर स्टेट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, अभी तो सीट बढ़ाने लगा है हम लोग, फिर भी 4000 सेफ होम भी बना लिया ममता जी ने, काम के लिए ममता जी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। लगभग हमारे जो काफ़ी चरण हो गए, 5 चरण हो गए, 6ठा चरण तो होने वाला है, इतने चरण के बाद आपका क्या आकलन है, कितना सीटें आप लोगों को आ रहा है, और दूसरा है कि भवानीपुर सीट में आपको क्या लगता है कितना मार्जिन लेकर आप जीत सकते हैं? भवानीपुर सीट से तो मैं जीतेगा, जरूर जीतेगा उसमें, और हमारा कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग जीतेगा, कंफर्टेबल मेजोरिटी से। ज़्यादा 200 बोल रहे हैं आप? ममता जी बोला 200, वही कंफर्टेबल है। कैमरा पर्सन चंद्र भान के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, भवानीपुर, कोलकाता।